तो आज आपके लिए लेके आया हूं Realme C35 कितनी शानदार डिजाइन के साथ में आता है और उतने ही शानदार में इस वीडियो में इसके हिडन फीचर्स बताने वाला हूं कमाल के। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो यहां पर जैसे कि आपको नोटिफिकेशन शो हो रहे हैं लॉक स्क्रीन में, आप चाहते हो कि लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन शो ना हो, व्हाट्सएप के किसी के मैसेज आए हुए रहते हैं, तो इसके लिए ऑफ करने के लिए आपको होम स्क्रीन पे टैप करना है और होम सेटिंग के अंदर जाना है। फिर नीचे की साइड में आपको स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद में यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन देखने को मिलेगा ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब हाइड साइलेंस कन्वर्सेशन एंड नोटिफिकेशन एंड डू नॉट शो योर एनी नोटिफिकेशन, तो इसके ऊपर कर दोगे तो आपको लॉक स्क्रीन के ऊपर है जो कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों कभी कभार क्या होता है, ऊपर की तरफ से हम स्लाइड करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं और अपन गलती से उनको क्लियर ऑल कर देते हैं और उनके बीच में काम के नोटिफिकेशन होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो आपको पता करना होता है कि एक दो दिन पहले किस किस का नोटिफिकेशन आया था, कितनी कितनी बजे। तो ये जानने के लिए आपको सिंपली एक ट्रिक्स ऑन करनी है, होम सेटिंग के ऊपर क्लिक करके रखना है और होम सेटिंग पे जाना है। फिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन डॉट्स मिलता है, उसके ऊपर जाना है, फिर नोटिफिकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको इसको ऑन कर देना है। अब बैक आ जाना है। अब जैसे मैं इन सभी को क्लियर ऑल कर देता हूँ तो फिर से आपको वहीं पर जाना है होम सेटिंग पर, और होम सेटिंग पर जाने के बाद में यहाँ पर जैसे कि बैक आकर यहाँ पे आपके सामने ये पेज आएगा नोटिफिकेशन डॉट्स, फिर इसमें नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलेगी। यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि कितना किसकी वजह कितनी बजे नोटिफिकेशन आया था, कितनी बजे आया था। यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन होगा उसका आप एक दिन दो दिन बाद में पता लगा पाओगे। दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि हमें ये स्क्रीन को भी रोटेट करना होता है इस तरीके से, तो आप यहाँ पर ऊपर की जाकर ऊपर की स्लाइड से यहाँ पर स्क्रीन को रोटेट को ऑन कर देते हो जैसे ऑटो रोटेट, फिर भी आपके मोबाइल में ये रोटेट नहीं हो पाएगी स्क्रीन, ओनली वीडियोज वगैरह यही रोटेट हो पाएगी। तो आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हो, जैसे भाई कभी क्या है स्लीप करते हुए मोबाइल को चला रहे हो सोते हुए, तो वैसे होम सेटिंग पे जाना है, फिर आपको यहाँ पर अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन पे क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि आपकी स्क्रीन है वो भी इस तरीके से रोटेट हो जाएगी और आप आसानी से इस तरह लेटे लेटे भी मोबाइल को यूज कर पाओगे। दोस्तों अब मैं आपको इन बटन के हैक्स बताता हूँ, काफी मजा आ जाएगा। सिंपली जाना है आपको सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेविगेशन बार, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब बटन जैसे बैक बटन इधर हो रखा है, आप इसको इधर करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, और इन पे नीचे दो आइकॉन और मिलते हैं, ये क्या काम आते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इसको बैक बटन को इधर करना है और इस तरीके से आपको ये ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक नीचे एक बटन और देखने को मिल जाता है, ये क्या काम होता है, कभी कभार क्या होता है कि अपन एक मोबाइल से एक हाथ से मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और अपन को नोटिफिकेशन स्लाइडर को नीचे करना है, तो इसको आप प्रेस करोगे तो ये नोटिफिकेशन स्लाइडर नीचे आ जाएगा, फिर आप इस तरीके से आराम से एक हाथ से यूज़ कर पाओगे मोबाइल को। इसके अलावा आप बटन को हटाना ही चाहते हो बिल्कुल कि स्लाइडर करना है आईफोन की तरह, तो फिर से एक बार आपको सेटिंग में जाना है और सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलेगा गेस्चर, इसके ऊपर क्लिक करना है और सिस्टम थ्री नेविगेशन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको गेस्चर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके स्मार्टफोन में बटन हट चुके हैं, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे, इधर से स्लाइड करोगे तो बैक आ जाओगे। होम स्क्रीन पे जाना है तो आपको इस तरीके से एक बार स्लाइड करना है नीचे से, फिर अगर यहाँ पर रिसेंट एप्स को यूज करना है तो इस तरीके से स्लाइड करना है और आपके सामने ये रिसेंट एप्स भी निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बहुत ही काम की चीज बताने वाला हूँ जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी। सिंपली आपको जाना है सेटिंग में, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एंड डिस्प्ले, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा गाइज ये रही डिस्प्ले, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डार्क थीम मिल जाता है। तो अगर आप मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हो और आंखों पर रोशनी कम पड़े तो इसको ऑन कर दोगे तो बैटरी भी कम यूज़ होगी, ड्रेन कम होगी, खर्च कम होगी और मोबाइल को आप आसानी से यूज़ कर पाओगे, आंखों पर रोशनी बहुत कम पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप नाइट में मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करते हो तो नाइट लाइट मिलती है, इसको ऑन कर देना है। अब आप देखोगे डिस्प्ले का कलर चेंज हो चुका है, जो वाइट कलर था वो हट चुका है और डिस्प्ले कलर इस तरीके से हो चुका है जो आपको आंखों पर रोशनी और कम पड़ेगी। इसके अलावा आपको फिर से वैसा करना है तो टर्न ऑफ कर दीजिएगा। यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है वीडियो डिस्प्ले इन्हेंसमेंट, तो यहाँ पर जैसे आप YouTube की डिस्प्ले क्वालिटी बढ़ाना चाहते हो, फाइल की फोटो क्वालिटी, तो यहाँ पर आप इसको ऑन कर दीजिएगा, फिर इनके अंदर YouTube के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी ऑन वीडियो देखने का मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बैटरी ज़्यादा जल्दी खर्च होती है तो आपको इस तरीके से इनको ऑफ रखना है, क्योंकि बैटरी को है जो ड्रेन होना है। जब आप YouTube पर गाने वाने सुनो तो इसको ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखने को मिलता है फ्रंट साइज, इसके ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपके मोबाइल में सेटिंग में कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ रहता है उसकी साइज को बड़ा करना है, मैसेज को कुछ भी, तो इस तरीके से इसको लार्ज कर दीजिएगा। और बैक आकर देखोगे तो यहाँ पर सभी की साइज बढ़ चुकी है। इसके अलावा दोस्तों आपको नीचे की साइड में स्लाइड करना है और नीचे सबसे नीचे देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, ये बड़े ही काम की चीज होने वाली है। तो यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया था नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो कि डू नॉट शो कोई भी नोटिफिकेशन ना दिखे लॉक स्क्रीन जब मोबाइल लॉक रहे। यहाँ पर देखने को मिलता है ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, ये क्या काम आता है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर अपने घर में किसी के, अगर आपके पास में
किसी के भी नंबर है जैसे घर में या पड़ोस में, तो आप उनके नंबर शेयर कर सकते हो जो आपके खास हो। फिर वो क्या है कि जैसे कि आपके लॉक स्क्रीन के ऊपर ये नंबर दिखाई देंगे, तो आपका मोबाइल कभी कभार गुम भी जाए या फिर कहीं पर रखा जाए तो अगला ईमानदार होगा तो आपके मोबाइल पर कॉल करके बता देगा। और यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता हूँ, तो अब मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ, लॉक स्क्रीन के ऊपर आए जो मेरा नाम भी आ जाएगा। आप भी अपना नाम या नंबर कुछ भी यहाँ पर जो भी आपको पसंद लगे उसको लिख सकते हो। यहाँ पर मिलता है डबल क्लिक ऑन द लॉक स्क्रीन, तो इसको ऑन कर देना जो हमने पहले से ऑन कर रखा है, इसको ऑन कर दो। और फिर नीचे वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, इसके लिए क्या होगा दोस्तों, जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा और आपका मोबाइल इस तरीके से नीचे रखा हुआ रहेगा, तो एक बार इसकी लाइट जो ऑन होगी नोटिफिकेशन आएगा तो ये भी अपने आप में काफी यूनिक लगता है। अब हमने जो डबल क्लिक ऑन किया था उसको डबल टैप करते ही लॉक हो। इसी के अंदर आपको मिलता है लिफ्ट टू चेक फोन, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर जैसे कि आप इसको ऑन करोगे तो ये जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन या फिर कोई भी आपको आएगा, जैसे कि आपका स्मार्टफोन नीचे रखा हुआ है इस तरीके से, तो आप नोटिफिकेशन आए या फिर आप देखना चाहते हो किसका नोटिफिकेशन आया, तो जैसे ही आप मोबाइल को इस तरीके से हैंड में लोगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी अपने आप। तो दोस्तों इस मोबाइल में आपने पूरा दिन कहाँ पर टाइम व्यक्त किया, पूरे दिन में मोबाइल में क्या क्या यूज़ किया, ये सब जानने के लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर डिजिटल वेलबिंग एंड कंट्रोल्स के ऊपर क्लिक करना है, योर शो योर डेटा पर क्लिक करना है। अब आपको पता चल जाएगा आपने पूरे दिन में मोबाइल को कितनी बार यूज किया, कितनी बार अनलॉक किया, कितने नोटिफिकेशन आए थे, किस किस के नोटिफिकेशन आए थे, ये सब आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो कोई किसी ने नहीं बताई होगी। यहाँ पर जैसे डायलर मिलता है, तो कभी कभार क्या होता है फ्रेंड वगैरह मोबाइल लेते हैं कि मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है तेरे मोबाइल से, और आप उसको दे देते हो, फिर आपको डर बना रहता है कॉलिंग होने के बाद में वो बैक आकर अपने मोबाइल में कोई और डेटा वगैरह ना देख ले, तो आप जो भी ऐप उसको देना चाहते हो उसको लॉक करके दे सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इस तरीके से सिक्योरिटी मिलेगी आपको, सिक्योरिटी के ऊपर क्लिक कर देना है और सबसे नीचे ऐप पिनिंग मिलती है, इसको ऑन कर देना जो हमने पहले से ऑन कर रखी, तो आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। फिर यहाँ पर लॉक डिवाइस वेन अनपिनिंग, इसको भी ऑन कर देना है, लेकिन यहाँ पर आपके मोबाइल में लॉक होना चाहिए, जैसे कि कोई अच्छा सा लॉक लगा देना, अगर नहीं है तो लगा देना ये मांगेगा। तो फिर आपको बैक आ जाना है, जो भी ऐप लॉक करके देना चाहते हो उसको ओपन करना है, फिर इस तरीके से रिसेंट ऐप थ्री बटन को ऊपर क्लिक करना है, तो अब आपको एक बार फिर से इस तरीके से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, इसको ऊपर प्रेस करके रखना है, इस प्रेस करने के बाद में पिन को ऊपर क्लिक करना है, पिन करने के बाद में गो इट करना है। अब आपके मोबाइल में लॉक हो चुका है ये ऐप अनपिन, पिन हो चुका है सॉरी गाइस, अब आप बैक नहीं आ पाओगे कैसे भी करके। अगर आप बैक आना चाहते हो तो इसके लिए आपको सिंपली थ्री बटन एंड बैक बटन को प्रेस करके रखना है एक साथ में, तो ऐप अनपिन हो जाएगा। तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा अगला समझदार होगा तो वो भी तो ऐसे करके अपना डेटा वगैरह देख सकता है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर इसको लॉक डिवाइस वेन अनपिनिंग, इसको ऑन कर देना है, जब आप इसको अनपिन करोगे तो मोबाइल लॉक हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसने अनपिन करने की कोशिश की है। दोस्तों हमने यहाँ पर ये वाला बटन तो लगा लिया कि जैसे इसको प्रेस करते ही नोटिफिकेशन स्लाइडर आ जाए, और एक नोटिफिकेशन और मिलता है जैसे इसको इस तरीके से स्लाइड करोगे तो भी नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको दूसरी जगह भी चूज कर सकते हो, जो भी दूसरा ऐप भी चूज कर सकते हो। इसके लिए होम स्क्रीन पर टैप करना है, होम सेटिंग पर जाना है, फिर आपके सामने यहाँ पर पुल डाउन एक्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आप ओपन सर्च कर सकते हो। अब आप सिंपली एकदम आसानी से जल्दीबाजी में इस तरीके से स्लाइड करोगे तो आपके सामने ऐसे गूगल आ जाएगा, कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी ऐप वगैरह सर्च कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर गूगल वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं होगी और भी मोबाइल को आसान बना देगा। तो इस मोबाइल के अंदर आपको गूगल डायलर मिलता है, इसका नुकसान ये है कि आप किसी को भी कॉल करोगे तो अगले को कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट ये अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन सेटिंग में आने के बाद मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताता हूँ, जैसे सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है डिस्प्ले ऑप्शन एंड काफ़ी ज़्यादा है मिल जाती है, कॉलर आईडी अनाउंसमेंट, कॉलर आईडी स्पैम, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब सी कॉलर आईडी स्पैम आईडी, तो कोई भी आपको फेक कॉल वगैरह आएगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, इसको ऑन कर देना जो हमने पहले कर रखे हैं, और इसको ऑन कर दोगे तो आपके पास में कोई भी कॉल आएगा तो वो वेरीफाई होकर आएगा कि फेक कॉल तो नहीं है, जैसे कि मतलब कभी कभार जो नोटिफिकेशन वगैरह लॉटरी वाली कॉल वगैरह आए हुए रहते हैं तो वो सब नहीं आएंगे। दोस्तों ये थी इसकी मज़ेदार ट्रिक्स रियलमी C35 की। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइज।